निर्णय कपूर फिर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ गुजरात के। निर्णय, आप कहाँ मौजूद हैं जरा बताइएगा। हमने अभी देखा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री को, इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी उनको पुष्प अर्पित करने। देखिए सौरभ, अभी मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, आईओसी सर्कल है चांदखेड़ा का, जहाँ पे प्रधानमंत्री का रोड शो आके खत्म होगा। और आपने बताया कि जैसे कि अभी वो सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके निकले हैं, यानी अभी करीब 35 किलोमीटर उनको और ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय उन्हें लगेगा यहाँ पहुँचने में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, लोग अभी से इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और आप देखिए बड़ी तादाद में महिलाएँ भी जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जहाँ भी हम जा रहे हैं, रास्ते में भी हम देखते हुए आए, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे पूरे रास्ते में इकट्ठे थे। आप बताइए, इधर आइए, आप बताइए कि कितनी देर से आप यहाँ के खड़े हो? अभी मोदी जी को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, देर तो लगेगी, हम 5 बजे के आगे यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी आतुरता से वेट कर रहे हैं हम। क्यों? क्या क्या वजह है मोदी जी के लिए इतनी वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब लाइफ में पहली बार हम उनको सामने से देखेंगे। मोदी जी हमारी जान है, मोदी जी हमारी जान है, इसलिए हम लोग खड़े हैं। जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया है ऐसा किसी ने नहीं किया है। मोदी इज नंबर वन। क्या किया है मोदी जी ने? ऐसी कौन सी योजना है जो आपको? मोदी जी हमारे देश को कहाँ से कहाँ लेके गए। मोदी जी धीरे धीरे ये पैसे को डॉलर बना के, और जितनी कोई भी जो भी जितने भी नेता बने, कोई भी आज तक जितनी वर्ल्ड टूर नहीं कितनी मोदी जी ने हमारे की है। मोदी जी में ताकत है, मोदी जी हमारा शेर है, हमारे देश के, भारत माता की जय। हमारे देश का गौरव है वो, मोदी जी हमारे देश का गौरव है, हमारे गुजरात की शान है वो। यहाँ आपके चांदखेड़ा में इस बार, ये जो चांदखेड़ा एरिया है गांधीनगर साउथ का, यहाँ पे क्या होने वाला है? हम लोग जब रहने आए थे तब यहाँ पे सारी ऐसा खुला ही था, लेकिन जब से यहाँ से बीजेपी आया है तब यहाँ पे पानी आया है, नल की व्यवस्था, गटर लाइन की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, रोड अच्छे बने हैं, सब कुछ सुविधा मोदी जी के आने के बाद ही यहाँ पे हुई है। लेकिन हमने तो सुना है यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है इस बार। सॉरी, यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है? नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी यहाँ। क्या वजह? क्या हमको मोदी जी पसंद है इसलिए। जी सौरभ, आप देखिए यहाँ महिलाओं में इनफैक्ट आपने देखा होगा खास क्रेज है मोदी जी का, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप मोदी जी? कल 5 बजे से। सौरभ, इन लोगों का उत्साह, इन लोगों का जुनून आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार का क्रेज है मोदी जी के लिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आई एम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम USA। हम चाहते हैं कि मोदी जी आएगा तो हमको भी उसकी बहुत जरूरत है, ट्रम्प को भी जरूरत है। मोदी जी प्लीज कम इन USA एंड यू आर कमिंग इन इंडिया टू, वेलकम मोदी। आप NRI हैं? यस। आपका वोट नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो आप यहाँ क्या लोगों का उत्साह बढ़ा रही है? या हमारा वोट नहीं है, लेकिन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम आए हैं, और बहुत बहुत जरूरत है मोदी जी। आप देखा जब वो US आते हैं तब भी बड़ा प्यार मिलता है उनको। या मोदी मोदी होता है वहाँ सब जगह, हर स्टेट में मोदी की बात है, मोदी ट्रम्प भाई भाई। सर अब सुना होगा आपने क्या कह रही है ये? हम तो बहुत ही खुश हैं और मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कब से खड़े। मोदी है तो भरोसा है, मोदी है तो देश है, तो भरोसा है, सब कुछ है। मोदी है तो भरोसा है, भरोसा क्यों है? मोदी सबसे अच्छे हैं, वो देश के लिए अच्छे काम करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने में योगदान उनका ही है, हिंदुत्व को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उनका है, और हमारा हिंदुत्व बहुत आगे बढ़े यही हमारी इच्छा है, क्योंकि वो रहेंगे तभी हिंदुत्व बढ़ेगा। महंगाई का एक इशू है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। महंगाई तो सब जगह है, महंगाई पूरे वर्ल्ड में है, आप जाओ सब जगह महंगाई है, मोदी जी का कोई दोष नहीं है। सब जगह महंगाई है, ऐसा कौन सा टाइम है जो महंगाई नहीं है? मेरे माँ पिता थे उस समय भी बोलते थे कि महंगाई है, आज भी महंगाई है, महंगाई का रोना तो हमेशा ही है, तो क्या करें? सही बात है, मोदी है तो भरोसा। हाँ सर, मोदी जी आए और अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा काम किया है और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है।
और मोदी जी अभी भी काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो राष्ट्रपति तक पहुँचे और अच्छा काम करें। सौरभ, तो आपने देखा यहाँ पे लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। अभी घंटों से वेट कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और जैसे जैसे वो टाइम नजदीक आएगा, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये भर जाएगा लोगों से। और आपको बता दें, गांधीनगर साउथ का ये इलाका है, वैसे अहमदाबाद में पड़ता है, गांधीनगर साउथ का ये इलाका है, और यहाँ आकर के उनका रोड शो खत्म होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है उनके प्रति। आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी शायद किसी और नेता के ध्यान में भी नहीं आ सकती। एक ही दिन में 3 घंटे में उन्होंने पूरे अहमदाबाद की 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और गांधीनगर की 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर ली। लेकिन इसका जो असर है सौरभ, वो सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, अहमदाबाद के आसपास भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद जो है वो पूरे सेंट्रल गुजरात का एक नर्व सेंटर है, और इसके आसपास भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो अहमदाबाद के डायरेक्ट कनेक्शन में है, और यहाँ जो भी होता है उसका असर सीधा वहाँ होता है। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद मणिनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी थी, और उसका असर हमने देखने को मिला इतने सालों में किस तरह से अहमदाबाद में कंसोलिडेट किया है बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी ने जो काम किए यहाँ पे उसका असर भी लोगों में देखने को मिल रहा है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उसमें से कौन से ऐसे काम है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? मोदी ने सारे काम अच्छे करे, उसमें मेरे को बोलने नहीं पड़ेगा कौन से काम। मोदी ने सारे काम अच्छे करे, जीतेगा तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे, बाकी कौन जीतेगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया गुजरात में, बहुत हर जगह आप जाके देखो वहाँ पे कोई भी सुविधा इतनी नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। और विदेश में भी बहुत उनका डंकार बज रहा है, जैसे यूक्रेन में आप देखो तो वो मोदी मोदी चिल्ला रहे अभी उनके युद्ध रोकने के लिए, और अमेरिका वाले भी पीछे। यहाँ सामने आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हुए, उनका कार्यालय है, वो कहते हैं कि 27 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है गुजरात। वो कुछ नहीं है, मैं उनके लोकसभा क्षेत्र, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से आ रहा हूँ, वहाँ का काम देख के मैं दंग हो गया हूँ, और उनके कार्य पर ही हम लोग वोट करेंगे। और इतना अच्छा वाराणसी को कोई कर नहीं सकता था जितना उन्होंने किया, मैं देखकर मेरा लोग यहाँ कैसे आए, यहाँ कोई आपका रिले यहाँ मैं और इतना अच्छा वाराणसी को कोई कर नहीं सकता था जितना उन्होंने किया, मैं देखकर मेरा लोग यहाँ कैसे आए, यहाँ कोई आपका रिले यहाँ मैं 26-27 साल से हूँ, लेकिन मेरा घर वहीं पर है, हाँ, तो मैं आते जाते रहता हूँ वाराणसी। और वहाँ का जितना अच्छा काम हुआ, वाराणसी में काम करना आसान बात नहीं था, इतना जटिल वहाँ पर रास्ता है। भैया अहमदाबाद की भी कुछ बात कर लेते हैं, आप बताइए क्या अहमदाबाद में क्या डिफरेंस देखा है आपने मोदी जी के काम से? हेलो, हाँ, इसमें इतना डिफरेंस है कि पहले के ज़माने से अभी तक का जो काम हुआ है, जितने साल में मोदी साहब ने जो किया है, अगले 70-80 सालों में कोई पार्टी नहीं कर सकती। और एक मेरा मंत्र है कि हर घर भगवा छाएगा, मोदी वापस आएगा। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमारा काम बोलता है, हमने 27 साल पहले, उनका काम बोलता है, मगर एक बात है, राहुल जी को देखो आप, उनको जरा बोलना भी नहीं आता, खुद के पप्पू बन गए वो लोग, तो क्या काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।